एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब 10वीं के अंकों के आधार पर नहीं, लिखित परीक्षा से होगा कार्यालय परिचारी का चयन। तो पहले जो है 10वीं के अंक के आधार पर कार्यालय परिचारी का चयन होता था, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया है। अब लिखित परीक्षा के आधार पर चयन जो है वो होगा। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में भर्ती होंगे परिचारक। 95 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से कार्यालय परिचारी पद का चयन अब लिखित परीक्षा से होगा। इसके लिए विभाग ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधिकृत किया है। परिचारी के लिए 238 पदों के लिए करीब 3,46,777 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन दिया था। पहले घोषणा की गई थी कि परिचारी का चयन 10वीं के अंकों के आधार पर होगा। आवेदकों की छटनी के क्रम में पाया गया कि मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्रों के आधार पर 3 गुना सर्वोच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में कठिनाइयां हैं। प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया वर्षों तक चलने वाली बन जाती है। इसी को देखते हुए DST ने चयन का आधार लिखित परीक्षा को बनाया है। परीक्षा पाठ्यक्रम का निर्धारण बिहार SSC करेगा। लिखित परीक्षा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है होगा। लिखित परीक्षा का जो स्वरूप होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मैट्रिक स्तर के कुल 95 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के लिए किसी ने 60 सही उत्तर दिए तो उसका प्राप्तांक जो है 57 होगा। इसी आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। दूसरी ओर विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित किसी कर्मी को जितने वर्ष का अनुभव होगा वह उसके प्राप्तांक में जो है वो जुड़ेगा।